जय हिंद दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड यह टिश्यू है, ऊतक है। ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई पूछता है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 7 के पहले जो होता है पीएच में माने में, तो उसे अम्ल कहते हैं। 7 के बाद क्षार होता है, तो 7.4, इसलिए ब्लड हल्का क्षारीय होता है। अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ब्लड कैसा है, तो ब्लड हल्का क्षारीय है, ब्लड का पीएच मान 7.4 है। फिर पूछा जाता है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की, पीएच पैमाना किसने दिया, तो पीएच पैमाना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो पीएच पैमाना किसने दिया, तो पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया। फिर देखते हैं, अगर आपसे पूछा ही जाता है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जामों में कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। फिर अगर पूछा जाए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा में होता है। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। पीएच, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ब्लड हल्का क्षारीय होता है, पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया। फिर देखा जाए तो शरीर के भाग का, अगर पूछा जाए कि ब्लड कितना होता है मानव शरीर में, तो शरीर के भाग का 7% ब्लड होता है। शरीर के भाग का 7% ब्लड होता है, मतलब लगभग 5 से 6 लीटर। अगर पूछा जाए कि शरीर में ब्लड कितना होता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है, जबकि स्त्रियों में यह है 4 से 5 लीटर होता है। तो फीमेल कैंडिडेट में 4 से 5 लीटर होता है, तथा मेल कैंडिडेट में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। शरीर के भाग का 7% होता है, 5 से 6 लीटर। अगर पूछा जाए रक्त में ऑक्सीजन परिवहन, अगर आपसे कोई पूछता है कि रक्त में, मानव शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो मानव शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, तो रक्त में ऑक्सीजन लंग्स मीन्स फेफड़े मिलाते हैं। रक्त में ऑक्सीजन लंग्स मिलाते हैं। रक्त को पंपिंग करने का काम कौन करता है, रक्त को पंपिंग करने का काम हार्ट करता है। हमारा हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछे रक्त को प्यूरीफायर, मतलब रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। ये चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, तो रक्त में ऑक्सीजन लंग्स मिलाते हैं, रक्त को पंप कौन करता है, तो रक्त को पंप हट करता है, तथा पूछा जाए रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी करती है। फिर पूछा रक्त के पार्ट, रक्त दो पार्ट में है, प्लाज्मा और कणिकाएं। तो प्लाज्मा 55% होता है, तथा कणिकाएं 45% होती हैं। तो लगभग प्लाज्मा 55% होता है, कणिकाएं 45% होती हैं। अगर पूछा जाए प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, तो प्लाज्मा में सबसे अधिक पानी होता है, वाटर 90%। प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, प्लाज्मा में सबसे अधिक पानी होता है, 90%। प्लाज्मा में सबसे अधिक पानी होता है 90%, तथा प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होता है। कणिकाएं में देखते हैं, कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीरम क्या है, तो सीरम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देने पर सीरम बनता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने पर सीरम बनता है। अगर कोई पूछे कि सीरम क्या है, तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने पर सीरम बनता है। सीरम रक्त का थक्का नहीं जनता,
सीरम में रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि सीरम में फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाता है, जिसके कारण सीरम में रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखते हैं आरबीसी, कणिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। देखते हैं आरबीसी, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। इरेथ्रोसाइट किसे कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं, यह लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इरेथ्रोसाइट इसे याद करेंगे, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी का हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कई बार पूछा भी गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लिन मतलब प्लीहा को कहा जाता है। इसे गाँव में तिल्ली बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लिन मीन्स प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद है कुछ ऊंट और लामा, ये दो जीव ऐसे हैं कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि निम्न में से किस जीव में केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा ऊंट, लामा, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे दे देगा। तो अपवाद कौन सा है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो अपवाद हैं ऊंट और लामा, इन दोनों जीवों में केंद्रक पाया जाता है। फिर आरबीसी, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन ये एक प्रोटीन है तथा हीम का साइंस की भाषा में हीम का मतलब होता है लोहा। तो अगर आपसे पूछे कि कौन हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें लोहा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। फिर देखते हैं थैलेसेमिया, थैलेसेमिया रोग होता है। थैलेसेमिया रोग में आरबीसी नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थैलेसेमिया में आरबीसी नहीं होती है। इसे आप नोट कर लेंगे कि थैलेसीमिया में आरबीसी नहीं होती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस भी कहा जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहा जाता है तथा डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस कहा जाता है। ल्यूको का हिंदी में अर्थ होता है सफ़ेद, साइंस की भाषा में ल्यूको का अर्थ होता है सफ़ेद, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस कहा जाता है। ल्यूको का अर्थ साइंस की भाषा में सफ़ेद होता है। अब डब्ल्यूबीसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में 60 से 70%, डब्ल्यूबीसी में 60 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल की मात्रा कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल की मात्रा 60 से 70% होती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का सैनिक या कि कोशिका का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कोशिका का सिपाही डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइटस को कहा जाता है। तो कोशिका का सिपाही या कोशिका का सैनिक भी से कहा जाता है। फिर देखें टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाता है, तो थाइमस ग्रंथि में इसका पालन पोषण होता है, इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट का पालन पोषण कहाँ होता है, तो थाइमस ग्रंथि में होता है। हार्ट के बगल में थाइमस ग्रंथि होती है, वहीं थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का पालन पोषण होता है। फिर ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन तथा विटामिन के, इसमें रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन तथा विटामिन के। पूछा भी जाता है कि क्लॉटिंग एजेंट किसे कहा जाता है, क्लॉटिंग एजेंट किसे कहा जाता है, फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन विटामिन के। तो इसे आप याद कर लेंगे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन
थ्रोम्बिन तथा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इसे इंग्लिश में क्लॉटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे क्लॉटिंग एजेंट किसे कहा जाता है, तो क्लॉटिंग एजेंट फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन तथा विटामिन के को रक्त का थक्का जमाते हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में क्लॉटिंग एजेंट कहा जाता है। फिर देखते हैं रक्त का थक्का, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है। तो मानव के शरीर में रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। रक्त को थक्का जमाने में किसका सहयोग होता है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन तथा विटामिन के। तो रक्त का थक्का मानव शरीर में 2 से 5 मिनट में जमता है। अगर बात करें रक्त का थक्का जमने से रोकना किसका काम होता है, तो रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, तो रक्त का थक्का जमने से हिपेरिन रोकता है। हिपेरिन कहाँ पाया जाता है, हिपेरिन लीवर में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, तो रक्त का थक्का जमने से हिपेरिन रोकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो मानव शरीर में 4 प्रकार के होते हैं, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की। तथा इसी खोज के कारण, ब्लड ग्रुप की खोज के कारण उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, सन 1930 में उन्हें ब्लड ग्रुप की खोज के लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एबीओ सिस्टम दिया। अगर आपसे पूछता है कि एबीओ सिस्टम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया। तो अगर आपसे पूछे एबीओ सिस्टम किसने दिया, तो एबीओ सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया। फिर एबीओ सिस्टम एंटीजन के आधार पर होते हैं। एबीओ सिस्टम होता है एंटीजन के हिसाब से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के हिसाब से होता है। एंटीजन ए और बी एंटीजन होते हैं। ए बी एंटीजन होते हैं, ओ एंटीजन नहीं होता है, ए बी दोनों एंटीजन होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो सर्वदाता ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। सामान्यतः हम लोग ओ बोलेंगे कि ओ सर्वदाता होता है तथा ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। लेकिन अब पेपर में ये नहीं पूछता, अब पेपर में पूछेगा कि सर्वनिम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। आपको ऑप्शन दे देगा ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। तो आप याद रखेंगे कि ओ निगेटिव अगर ऑप्शन में देता है कि सर्वदाता कौन सा होता, ओ निगेटिव अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो आप ओ निगेटिव को क्लिक करेंगे। अगर पूछता सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। अगर ऑप्शन में केवल ओ बस देता है तो आप ओ को क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन में देता ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, तो इसमें सर्वदाता ओ निगेटिव होता है और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव होता है। फिर पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। यदि पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप और एंटीजन सेम होते हैं। यदि किसी मानव का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीजन भी ए पाया जाएगा। आप याद करेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा। तो एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम रहते हैं। ब्लड ग्रुप अगर ए है, किसी मानव का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन भी ए पाया जाएगा। यदि किसी मानव का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें एंटीजन भी बी पाया जाएगा। यदि किसी मानव में ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें एंटीजन ए और बी पाया जाएगा। और यदि किसी मानव का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो पूछा भी जाता है एग्जामों में कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। फिर से देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए, तो इसका एंटीजन भी ए,
अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन भी बी है, यदि ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उसका एंटीजन भी ए और बी है, यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। अब एंटीजन का अपोजिट क्या होता, एंटीबॉडी होता है। यदि एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, यदि एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, यदि एंटीजन ए और बी है तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीजन ए और बी में एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो एंटीजन ए और बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। फिर देखा जाए ओ निगेटिव, इसमें ओ एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा, ए बी, इसमें एंटीबॉडी ए बी होता, इसका अपोजिट, तो ए इसका एंटीबॉडी हो जाएगा बी, बी इसका एंटीबॉडी हो जाएगा ए, ए और बी एंटीजन के एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता इसमें, ए और बी में एंटीजन नहीं था, तो इसलिए इसका एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए बी, इसका एंटीबॉडी कौन सा होता है, ए बी, ओ ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता इसलिए इसका एंटीबॉडी ए बी होगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ए ब्लड ग्रुप एंटीजन ए एंटीबॉडी बी पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी तथा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी ए और बी होता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाता है पेपर में कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे संतान होने की संतान कौन से ब्लड ग्रुप का पैदा होगा, तो कितने कौन से ब्लड ग्रुप के चांस होते हैं, चलिए उसे समझते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है तथा पिता का ब्लड ग्रुप बी है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है तथा पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान के पैदा होने के मतलब संतान किस ब्लड ग्रुप का पैदा होगा पूछा जाता है, तो ए, ए के नीचे लिखेंगे, ए के नीचे लिखेंगे ए और ओ, ए और से ओ, इसी प्रकार ब्लड ग्रुप है बी पिता पिता का, पिता में लिखेंगे बी और ओ। अब देखेंगे इस ए को इस बी से मिलाएंगे, इसी ओ को ए को ओ से मिलाएंगे, चलिए मिलाते हैं, इस ए को इस बी से मिलाएंगे तथा इसी ए को ओ से मिलाएंगे, इसी ए को ओ से मिलाएंगे, फिर इस ओ को बी से भी मिलाएंगे और इसी ओ को इस ओ से मिलाएंगे, तो ए बी, पहले इसे ए को बी से मिलाया तो संतान होगी ए बी, इसमें संतान पैदा होने के चांस होंगे ए और बी, फिर ए को ओ से मिलाया तो इसमें संतान कौन सी पैदा होगी, ए ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी, फिर देखते हैं ओ, फिर इसे ओ को बी से मिलाया तो इसमें संतान पैदा होने के चांस क्या है, बी, फिर ओ को ओ से मिलाया तो इसमें संतान पैदा होने के चांस हैं ओ, ओ ब्लड ग्रुप के। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें संतान के पैदा होने के किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी, तो संतान पैदा होने के चांस हैं संतान ए बी ब्लड ग्रुप की भी पैदा हो सकती है, संतान ए ब्लड ग्रुप की भी पैदा हो सकती है, संतान बी ब्लड ग्रुप की भी पैदा हो सकती है, संतान ओ ब्लड ग्रुप की भी पैदा हो सकती है। तो यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान ए बी, ए बी और ओ पैदा हो सकती है। अब देखते हैं दूसरा है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है,
आप एक बार इसका मैप समझ लेंगे तो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे देगा तो आपसे बन जाएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाए यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, यदि परीक्षा में पूछा जाता है माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तथा पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान किस ब्लड ग्रुप की पैदा होगी। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहां लिखेंगे ए और बी, यहां लिखेंगे ए और यहां बी, और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो यहां लिखेंगे ओ और ओ, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है ओ और ओ। अब देखते हैं संतान कौन सी पैदा होगी तो किस ब्लड ग्रुप की, तो इस ए को इस ओ से मिलाएंगे तथा इसी ए को इस ओ से मिलाएंगे, फिर इस बी को किस बी को ओ से मिलाएंगे तथा इसी बी को इस ओ से मिलाएंगे। तो अब देखते हैं संतान कौन सी पैदा होगी, तो संतान किस ब्लड ग्रुप की होगी, ए ओ, ए ओ को मिलाएंगे तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ये ए को ओ से मिलाएंगे तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, इस बी को ओ से मिलाएंगे तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा, इस बी को ओ से मिलाएंगे तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो संतान यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान कैसी पैदा होगी, किस ब्लड ग्रुप की, तो संतान ए और बी की पैदा होगी। तो 50-50% चांस होते हैं, 50-50% चांस होते हैं कि संतान ए भी पैदा हो सकती है ए ब्लड ग्रुप की, और 50% चांस रहते हैं कि संतान बी ब्लड ग्रुप की भी पैदा हो सकती है। अब देखते हैं यदि पूछा जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, यदि आपसे पूछा जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है तथा पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ है तो संतान किस ब्लड ग्रुप की पैदा हो सकती है। यदि पूछा जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है तथा पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान किस ब्लड ग्रुप की पैदा होगी, किस ब्लड ग्रुप की पैदा होने की संभावना होती है। ओ है तो इसे लिखेंगे ओ और यहां भी ओ लिखेंगे और यहां भी ओ लिखेंगे, यहां पिता भी तो यहां भी ओ लिखेंगे और यहां भी ओ लिखेंगे। अब मिलाते हैं इस ओ को इस ओ से मिलाएंगे, इस ओ को इस ओ से मिलाएंगे तथा इसी ओ को इस ओ से मिलाएंगे। तो ओ ओ को मिला तो ओ बना, इस ओ ओ को मिला तो ओ बना, यहां भी ओ बना तथा यहां भी ओ बना। तो यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है तथा पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान 100% एक्यूरेसी रहती है कि संतान ओ ब्लड ग्रुप की पैदा होगी, तो संतान ओ ब्लड ग्रुप की पैदा होगी। यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान 100% चांस रहते हैं कि संतान ओ ब्लड ग्रुप की पैदा होगी। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान 50% चांस रहते हैं कि संतान ए ब्लड ग्रुप की पैदा होगी तथा 50% चांस रहते हैं कि संतान बी ब्लड ग्रुप की पैदा होगी। अब आज बात करते हैं आरएच फैक्टर, जो कि ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ब्लड से ही रिलेटेड है। तो आरएच फैक्टर की बात करते हैं, आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर तथा वीनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज वीनर तथा लैंडस्टीनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज वीनर तथा लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने रीसस नामक बंदर पर यह प्रयोग किया था। तो कई बार पूछा भी जाता है कि आरएच फैक्टर की खोज किस बंदर पर की गई थी, तो रीसस नामक बंदर पर इसकी खोज की गई थी, इसी कारण इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ा, रीसस नामक बंदर। तो इन वैज्ञानिकों ने आरएच फैक्टर की खोज की वीनर तथा लैंडस्टीनर ने,
तथा इन्होंने रीसस नामक बंदर पर यह प्रयोग किया था आरएस फैक्टर का। तो आरएस फैक्टर की खोज बीनर तथा लैंडस्टीनर ने की, इन्होंने रीसस नामक बंदर पर यह प्रयोग किया था। अब आरएस फैक्टर की बात करें तो जिसमें आरएस फैक्टर पाया जाता है, जिसमें आरएस फैक्टर पाया जाता है तो इसे आरएस पॉजिटिव कहते हैं, आरएस फैक्टर पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें आरएस फैक्टर पाया जाता है तो उसे आरएस पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें आरएस फैक्टर नहीं पाया जाता है उसे आरएस फैक्टर निगेटिव कहा जाता है। जिसमें पाया जाता है उसे आरएस प्लस फैक्टर कहते हैं, मतलब आरएस पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता तो उसे आरएस निगेटिव कहते हैं। फिर आरएस फैक्टर यदि पिता आरएच प्लस फैक्टर का है तथा माता आरएच निगेटिव फैक्टर का है तो उसमें शादी साइंस के हिसाब से शादी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप आरएच प्लस है तथा माता का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव है तो साइंस के हिसाब से यह शादी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें देखते हैं एक रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस, ये रोग पूछा भी जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइफोइटिस। इस रोग के बारे में देखते हैं, रोग क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस। ये रोग होता है कि यदि पिता आरएच प्लस फैक्टर का होता है तथा माता आरएच निगेटिव होती है, पिता आरएच पॉजिटिव होता तथा माता आरएच निगेटिव होती है, तो जो पहला बच्चा पैदा होगा तो पहला शिशु जीवित रहेगा, लेकिन जब दोबारा इसका गर्भ धारण होगा तो सेकंड शिशु या तो गर्भाशय में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या कि पैदा होने के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि माता में भी यहाँ आरएस आ जाता है तथा गर्भाशय के कारण इसका सेकंड शिशु में भी आरएस पॉजिटिव आ जाता है। इसके कारण आरएस पॉजिटिव तथा पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, आरएस सेम एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो आप नोट करेंगे कि सेम सेम एंटीजन नहीं होना चाहिए। इसलिए साइंस के हिसाब से आरएच प्लस फैक्टर और आरएच माइनस फैक्टर की माता हो तो शादी अच्छी नहीं मानी जाती। यदि लड़का आरएच प्लस फैक्टर को तथा लड़की आरएच निगेटिव फैक्टर की हो तो शादी साइंस के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती। तो यदि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस होता है, यदि पिता आरएच प्लस फैक्टर का होता है तथा माता आरएच निगेटिव फैक्टर की होती है तो इसमें प्लस पहला बच्चा जीवित रहेगा लेकिन सेकंड बच्चा ये या कि पेट में गर्भाशय में ही खत्म हो जाएगा या कि पैदा होने के बाद खत्म हो जाएगा। सेम एंटीजन नहीं होना चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से शादी करता है तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे, उसके पुत्रियों के पुत्रों